सचिन से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईटीएस लगातार दोनों से पूछताछ भी कर रही है। दोनों से अब तक कई राउंड के सवाल जवाब हो चुके हैं। टाइम्स ऑफ भारत के पास में ईटीएस के कुछ सवाल भी मौजूद हैं, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको ये भी बता दें कि जो सवाल सीमा से पूछे गए, उन सवालों के जवाब सीमा कई गोलमोल तरीके से देती हुई नजर आई। यही वजह है कि अभी तक क्लीन चिट जो है सीमा हैदर को एटीएस की तरफ से नहीं मिली है। और भी कई जो तमाम जांच एजेंसीज हैं, वो लगातार सीमा हैदर के तमाम जो कनेक्शंस हैं, उन्हें देखने में लगी हुई है, लगातार जांच रही है। और आखिर नेपाल कैसे पहुंची, नेपाल के किस किस के संपर्क में रही है, वो तमाम जो सवाल हैं, हर एक लिंक को जाने की कोशिश की गई है। आइए आपको मैं बताने की कोशिश करती हूँ कि सीमा और सचिन से एटीएस ने किस तरह के सवाल किए और सीमा ने उसका जवाब क्या दिया। दरअसल सवाल पूछा गया कि जो सीमा के पास फोन था वो फोन कैसे टूटा, तो सीमा ने जवाब दिया कुछ कहा ही नहीं। बताया जा रहा था कि इस बार उसको लेकर जरूर उसने कहा कि कोई फोन नहीं टूटा है। सवाल पूछा गया कि मई से पहले का डेटा आखिर डिलीट क्यों किया गया, तो सीमा ने बहुत ही साधारण तरीके से जवाब दिया कि फोन हैंग हो गया था, ये जवाब दिया गया है। सवाल पूछा कि सचिन ने पाकिस्तान में आखिर कब कब पैसे भेजे, सीमा के पास में इसका कोई जवाब नहीं था। आप ये मान के चलिए, सवाल जब पूछा गया कि नेपाल में आखिर किसके फोन से पैसे मंगवाए गए थे, जवाब सीमा की तरफ से कहा उस शख्स की कोई जानकारी ही नहीं है सीमा के पास में, उससे कहा कि मैं उसे जानती नहीं हूँ, रैंडम कोई व्यक्ति था। सवाल पूछा भारत आने में 12 लाख रुपए आखिर खर्च कहाँ किए गए, तो जवाब में पूरी जानकारी सीमा के पास में नहीं थी। भारत आने के लिए किससे टिकट बुक कराए, ये सवाल पूछा तो एजेंट का नाम याद नहीं होने का हवाला सीमा की तरफ से दिया गया। ये वो सवाल और ये वो जवाब है। इस तरह के और सवालों में ये भी पूछा गया कि पाकिस्तान में घर आखिर किसे बेचा गया, तो जवाब था एक डीलर को बेचा था, उसका भी नाम सीमा जानती नहीं है।